अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पीछे आप ये जो पुल देख रहे हैं, ये ओल्ड रावी पुल है और इसके ऊपर ये जो जंगला देख रहे हैं ना आप, आज से कुछ रोज़ पहले एक खातून ने अपनी बच्ची के साथ इस जंगले से छलांग लगाई है। और यकीन जानिए, उस वक्त यहाँ पर हमारे एहलकार मौजूद ना होते, रेस्क्यू एहलकार मौजूद ना होते, तो शायद वो बच्ची और वो खातून जान की बाजी हार जाती। खुदारा, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेरी इदारों से अपील है कि इन जंगलों को जो है वो, इनकी जो ऊंचाई है इसको मज़ीद ऊंचा किया जाए और जो इर्द गिर्द जो इलाके हैं, जो आबादियां हैं और जो घरों में लोग बैठे हैं, जो जिनसे घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर या घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो कि कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के मकामात पर आकर खुदकुशी खुदसोजी का जो है वो तरीक़ाकार अपनाते हैं। और उस दिन अगर वो खातून उन्हें एहलकार ना बचाते तो वो जान की बाजी हार जाती। एक बार फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म से और मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के फैसले लेते हैं और जो अपने साथ साथ अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचते, अपने ख़ानदान का नहीं सोचते, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है इस तरह का संगीन कदम उठाने से पहले खुदारा अपने ख़ानदान का, अपनी पुश्तों का, अपनी आने वाली नस्लों का सोच लीजिए। और गवर्नमेंट इदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी और जो वहाँ के जो इंतजामात हैं, जो वहाँ पे ये जैसे ये जंगले लगे हुए हैं, इस तरह के जंगलों की जो हाइट है उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाए, मज़ीद इन्हेंस किया जाए। मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये अपील कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो है वो जल्द अज़ जल्द कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी।